तो ये है खतरनाक वाला। ओ भाई तो अब जाना है सीधा नदी नदी। ओ बेटा पानी कहाँ तक आए। तो यहाँ से हम जा रहे हैं पैदल पैदल, तो पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे यार। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए राजा जी नेशनल पार्क। तो राजा जी नेशनल पार्क में जा कर के है विंध्यवासिनी मंदिर, तो आज हम वहां घूम करके आएंगे। तो अभी मैं हूं लच्छीवाला टोल प्लाजा के पास, चलते हैं यहां से मंदिर की तरफ। तो ये है टोल प्लाजा। तो यहाँ से ऋषिकेश रह गया है 31 किलोमीटर, और ये है लच्छीवाला जाने का रास्ता। With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palms, play with me like cats and a string, you don't understand the pain it brings. तो यहाँ से हम मुड़ जाएंगे अब लेफ्ट को, जो जाएगा ऋषिकेश का रास्ता, और सीधा जाएगा हरिद्वार और दिल्ली के लिए। You don't ever wanna give me wings, you don't ever wanna send me. तो विंध्यवासिनी मंदिर देहरादून से लगभग 60 या 65 किलोमीटर के आसपास है। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11 बज रहे, और ये चल रहा है अभी भानिया वाला। तो ये चल रहा है 7 मोड़, और आने वाला है ऋषिकेश। I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text. तो भाई लोगो, उत्तराखंड की योग नगरी में ऋषिकेश में आपका स्वागत है। तो पहुंच गए हम ऋषिकेश, और यहाँ से कुछ नज़ारा देखो। तो ये आ गया है नटराज चौक। तो बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए यहाँ से मुड़ना है लेफ्ट, लेकिन हम जाएंगे सीधा। तो ये हम पहुंच गए एम्स में, ऋषिकेश एम्स वो है सामने। तो पहुंच गए हम बैराज का। तो ये है बैराज, ये डैम है ना, तो पानी यहाँ पे इकट्ठा करा हुआ। हाँ, तो हमने चेक पोस्ट कर ली पार, और ये बैरियर गंगा जी बगल पे। रोड काफ़ी पतला है, लेकिन रोड बना हुआ सही। तो यहाँ से देखो नज़ारा, तो ये आ गई है छोटी सी वाटर क्रॉसिंग।
सीधा तो अब जाना है सीधा नदी नदी Like dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry. The conclusion. तो हम लोग अभी यहाँ पे रास्ते में यहाँ पे चारों तरफ से नदी और हरे भरे पहाड़ देखो बड़े कुछ और कोई नहीं दूर दूर तक अब पूरा रास्ता यहाँ पे है नदी में Even though I offer all of the solutions I wish you loved me like I love you, it's stupid When I'm alone with you, I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you, I knew this When I'm with you, I feel तो एक वाटर क्रॉसिंग आ गई है और भीगे पैर ओ बेटा ये तो बहुत भयंकर है गहरा कहाँ पे इधर से इधर से इधर ओ बेटा पानी कहाँ तक आए तेरे भी लगा तू भी का अबे वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा था यार चलो कोई नहीं तो पिछले वाले में तो भीग गए हैं पैर ओ भाई जी सो यूज़लेस आई फील डाइल्यूटेड माय हार्ट्स बीन वाउंडेड सिलहूएट्स ऑफ यू आर लाइक अ टॉय नेवर रियली नो जस्ट व्हाट तो भाई लोगों जूते वगैरह सब भीग गए क्या करें मगर पानी बहुत ज्यादा गहरा था ये तो छोटा सा है आगे और भी वैसे पानी गहरा है वाला निकल जाएगी हाँ थोड़ा इसको साइलेंसर में पानी भर जाता ना देखो आ गई है वाटर क्रॉसिंग वाटर नहीं रिवर क्रॉसिंग है भाई कम नहीं है बेटे हैं और हैं क्या करें तो ये है खतरनाक वाला इसके आगे नहीं लेके जाऊंगा वैसे कर रहे रिवर क्रॉस यहां फंसे गए गजब 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 ये ठीक है निकल गया नाजी ना ऐसे नहीं करेंगे पार नहीं लगा लेते ना तो ये वाली नदी हमने पार नहीं करी इसमें जाएंगे पैदल पैदल खोल रहा है ऐसी आंधे ने आंधे तो यहाँ से हम जा रहे हैं पैदल पैदल तो पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे यार ओए तो
तो जूते हो गए पूरे तर पानी में। इधर ज्यादा है पत्थर भी है बेटू, इधर गहरा है बहुत ज्यादा। हम गलत जा रहे क्या? उधर से सही है, उधर से कम है। हाँ उधर से कम है। उधर से कम है भाई, वहां ना एकदम पिछलेगा ना पत्थरों में, सीधा नीचे गिरेगा। पत्थर ही तो काम खराब करते हैं। यहाँ से ठीक है, ओ भाई वो पैर भी इधर जा रहा है। तो यहाँ से जाना है मंदिर के लिए पैदल पैदल, तो ये लोग भी चल दिए। कितने कितने का दे रहे? 50 का। 100 50 में क्या क्या है? 50 में नारियल, नारियल नारियल है, धूप है, धूप है, माचिस है। ठीक है तो चल दिए अब हम। अबे तो गहरे में मत जाइयो। ओ बेटा चल 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 चल। तो यहीं से जाना है अब मैं ऊपर ऊपर चिड़ियों का रास्ता। तो भाई लोगों जल्दी हम आपको पैदल पैदल सीढ़ियों पे, तो गाड़ी वगैरह हमने पहले ही पार्क कर दी क्योंकि इधर पे पानी का लेवल काफ़ी ज़्यादा है। तो मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ पे, तो प्रसाद वाले घूमने का है दस या 15 मिनट पहुँच जाए। तो पहुँच गए हम मंदिर में। तो ये है मंदिर का बोर्ड और वो है सामने मंदिर। भाई लोग पहुँच गया मंदिर, मेरे पीछे आपको मंदिर दिखाई दे रहा होगा। तो चलते चलते इतनी ठंड में भी पसीना आ गए, तो सही है ज़्यादा हीट पे नहीं है लेकिन ठीक है। तो चलते हैं अंदर, करते हैं माता के दर्शन। जय माता की।
तो वो है दुकान है, तो वहाँ से लिया था हमने प्रसाद वगैरह। तैयारी करो सीढ़िया, यहीं से हम आए उसका इतिहास यही है। आदि शक्ति योग माया, भगवान श्री कृष्ण जन्म लेने से पहले योग माया को आज्ञा दिए, यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण होकर के विराजमान थी। तो वासुदेव जी कारागार से भगवान कृष्ण को उठा कर ले गए गोकुल में और योग माया को उठा कर लाए। जब कंस ने सुना कि कन्या हुई तो हाथ से छीन कर पत्थर पर पटकना चाहे, हाथ से छिटक कर इसी विंध्यस्थल पर भगवती गिरी थी। एक पैर यहाँ एक पैर विंध्याचल, अष्टभुजा का रूप धारण करके कंस को चेतावनी दी, तेरा मारने वाला तो जन्म ले चुका। ये भगवती का दरबार है, नवरात्र के समय काफ़ी भक्तों का तांता लगा रहता है, बड़े दूर दूर से भक्तगण आते हैं, मनोकामना सिद्ध होता है, जैसी मनोकामना करते हैं मनोरथ पूर्ण होते हैं दोबारा आते हैं भगवती के दरबार में। और काफ़ी इस शरदीय नवरात्र में तो पानी की वजह से थोड़ा आवागमन कम होता है, सर चैत के नवरात्र में यहाँ खड़े होने की भी जगह नहीं होती है, बहुत भीड़ होता है और दूर दूर से भक्तगण आते हैं, मनोकामना सिद्ध होता है। पूरा उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, दूर दूर से भक्तगण आते हैं। भाई लोगों कर लिए हैं मंदिर के दर्शन और मौसम हो रहा है यहाँ पे अब सही, तो आते वक्त तो और भी काफ़ी गर्मी, तो मौसम ठीक है तो निकलते हैं यहाँ से अब घर की तरफ। तो भाई लोगों कर लिए हैं मंदिर के दर्शन, हम निकलते हैं घर को। और अगर आप यहाँ आओगे तो बरसात में मत आना रेनी सीजन वगैरह में, क्योंकि रोड की यहाँ पे ज़्यादा हालत ख़राब और नदी वगैरह चढ़ेगी तो रिवर क्रॉसिंग करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो आप लोगों ने देख ही ली होगी, हमने जैसे तैसे करके पार करी। बाकी मंदिर काफ़ी सुंदर है और ये पड़ा है 13 दिन से मुझे 60 किलोमीटर 60। बाकी और अकेले मत आना क्योंकि पूरा रास्ता ये जंगल का है। और बस तो इस वीडियो में इतना ही था, और आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।